रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। एक बार फिर से ड्रेस को लेकर डेजी शाह का उड़ा मजाक। लोगों ने कहा अभी भी शर्म नहीं है। इन दिनों सलमान खान के साथ पूरी रेस टीन फैमिली फिल्म के प्रमोशन में लगी हुई है। एल इस फिल्म का प्रमोशन जोरों शोरों से चल रहा है। एल बड़ी स्टार कास्ट वाली इस फिल्म का बजट 150 करोड़ बताया जा रहा है और इस फिल्म का निर्देशन रेमो डिसूजा ने किया है। एल इस फिल्म की जब से शूटिंग शुरू हुई थी तब से लेकर अब तक ट्रोलर्स ने ट्रोल करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। कभी फिल्म के डायलॉग को लेकर तो कभी डेजी शाह को लेकर तो कभी ट्रेलर में हुई गलतियों को लेकर एल इस फिल्म का इंटरनेट पर मजाक बन गया है और इन दिनों सेल्फिश सॉन्ग को लेकर सलमान खान का भी मजाक बना दिया गया है। एल हाल ही में डांस रियलिटी शो के दौरान डेजी शाह, बॉबी देओल, अनिल कपूर, सलमान खान सभी सा कास्ट फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंची थी। एल इस मौके पर बॉबी देओल व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक पेंट में कुल अंदाज में नजर आए थे, तो वहीं डेजी शाह ने येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और फिर क्या था, लोगों ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया क्योंकि इस ड्रेस काफी हद तक कटी हुई थी और फिल्म के ट्रेलर में भी डेजी शाह जब डायलॉग बोलती है तब वे अपने ए ड्रेस को काटती है। एल इसी के चलते डेजी शाह का एक बार फिर से सोशल मीडिया पर मजाक बन गया और कई लोगों ने भला बुरा भी कह दिया और ट्विटर पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। एल कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इनकी फोटो शेयर करते हुए नीचे लिखा कि अभी तक इनको अकल नहीं आई है कि ड्रेस कैसे पहना जाए। एक्शन से भरपूर रेस टीन फिल्म 15 जून को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। एल जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लेकिन अब इंतजार खत्म होने वाला है। यह फिल्म एक बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म है। इस फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस, सलमान खान, अनिल कपूर, डेजी शाह, साकिब सलीम एक्शन अवतार में नजर आएंगे। एल दोस्तों आपको क्या लगता है, इस ड्रेस को लेकर डेजी शाह का मजाक उड़ाना सही है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और इस पोस्ट को लाइक कीजिए। धन्यवाद एल।